अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। सो कीप वॉचिंग, एंजॉय। तो गाइस, मैं सुबह उठ गई हूँ तो ये कवर में बहुत कीमती चीज़ें जो कि मेरे को लेके जाना है आज। तो गाइस देखिए, मैं उठ गई, मुँह हाथ धो ली और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने आ गई। जोहर में उठी थी वेरी लेट। तो गाइस देखिए, कोई आ गया। मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी, तो देखिए यहाँ पे टाइम हो गया कि 1:40 हो रहे हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ अभी नमाज़। तो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ ली जोहर की और यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सोच रही हूँ कि आज तो जुमा है तो मैं अभी कुरान शरीफ भी पढ़ लूँगी। अभी अपनी नमाज हो गई गाइस, अब मैं जाऊँगी कुरान शरीफ पढ़ने। ठीक है, ये है हमारी दादी की अलमीरा और इसके ऊपर है मेरी और मेरे शाइनी के कुरान शरीफ। तो अभी गाइस अम्मा, मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी, फिर आप लोगों से बात करूँ। गाइस मेरा कुरान शरीफ पढ़ना हो गया, अब मैं कुछ खाएंगे बोल के आई। उससे पहले थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे हलक में बहुत दर्द है। क्या बना हुआ है कि देखेंगे तो सही। ये क्या बना है कि ना, कुछ दिख रहा ना समझ में आया। Oh my God. तो गाइज, हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो मैं बहुत हरी में हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को क्या खाई खाना नहीं दिखा सकी। अभी चाय बना रही हूँ मेरे और शैनी के लिए। तो मैं चाय बना ली गाइज, देखिए अब मेरी और शैनी की चाय लेके जा रही हूँ और उसके बाद में मैं करूँगी मेकअप। तो गाइज यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तो गाइज, हम लोग ऑटो ले चुके हैं और निकल गए बाहर मेरे फ्रेंड के घर जाने के लिए। सो गाइज, ये रहे पिक्चर्स जो मैं वहाँ ली, वहाँ पे वीडियोस नहीं ले सकी, ये मेरी फ्रेंड है। तो गाइज, हम लोग निकल गए मेरे फ्रेंड के घर से, बहुत लेट हो गया था, 7 बज गए थे। तो अभी हम लोग घर जाने जा रहे हैं और रास्ते में हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रात हो गई थी और हमारे मम्मी का कॉल भी आ गया था जल्दी आने के लिए। तो हम लोग और थोड़ा ज़रा देर से निकले, फिर कब मिलना होता मालूम नहीं था मेरे फ्रेंड के साथ। तो मैं थोड़ी देर और बैठ गई। तो अभी हम लोग यहाँ रोड पे ही है रास्ते में। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं घर, अभी लिफ्ट में हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर। तो गाइज, मैं आ गई, अभी टायर्ड थी, बुरखा उतार के बैठ गई थी। मगर खुश तो बहुत थी कि इतने सालों के बाद मेरी फ्रेंड से मिली मैं बल्कि। तो देखिए, अभी मैं खाना खाऊंगी, अपना डिनर करने बैठ गई गाइज। तो खीमा खाना खा रही हूँ मैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं उठ गई आज। कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी थी तो आज करूँगी, और आज हमारे पास क्या है वो दिखाऊंगी। ठीक है, तो गाइज, मैं पानी नहा रही थी तो अब ये ला कर ये मेरा टॉवल डाल रही हूँ मैं इसको। तो गाइज, मैं यहाँ पर अब किचन में आ गई नमाज हुए पढ़ के। तो देखिए, यहाँ पर बन रहे हैं खीर पूरियाँ रचप के। तो देखिए गाइज, हमारी दीदी यहाँ पर पूरियाँ तल रहे हैं और मैं आप लोगों को पूरियाँ दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और भी ज़्यादा पूरियाँ हैं जो तलने का है। तो ये हमारे सिर्फ दीदी तलते। वेल, अभी मैं उठ गई गाइस, तो मेरा ब्रंच एक साथ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ब्रंच कर रही हूँ, कोरमा और नान। सो वेल गाइस, अब मैं फ्री हुई आप लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, कल मैं गई थी मेरी बहुत स्कूल की चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने, और शायद मेरे को अब एहसास हो रहा है कि है मेरी एक ऐसी फ्रेंड जो अब तक नहीं चेंज हुई। और बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद मिली थी मैं उससे, और मैं भूल ही गई थी कि उन्हें भी है मेरी फ्रेंड बोल के।
ऐसा था बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मतलब मैं है फ्रेंड्स बट मैं मिलना छोड़ दिया, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे बोल के, बट शी इज़ द वन। तो गाइस देखिए, कल गई मैं उनसे मिलने, उन्होंने कोविड में चले गए थे दुबई, उनके हस्बैंड यूएई में रहते तो उन चले गए थे, फिर अब उन्होंने आए हुए हैं। तो फिर मेरे को ऐसे नॉर्मली ने मेरे को मैसेज करके पूछे कि कैसे मिल सकते हैं बोल, तो मैं सोच ली गया मैं जाना पहले मिलने बोल के, ठीक है कहाँ है भेजो एड्रेस मैं आती हूँ बोल के गई थी मिलने। एंड कहाँ से शुरू करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा खींच रही हूँ बात। एंड बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को उससे मिल के, क्योंकि ना उन्हीं तक ऐसी मेरी फ्रेंड है जिस तो मिल के मेरे को, उसको तो 3 3 माशाल्लाह 4 4 बच्चे हो गए, बट स्टिल आई फील के मेरे को उससे मिल के बिल्कुल न लगा, कि उन्हें मेरी वो फ्रेंड नहीं होती, उन्हें एक अब अम्मा बन गई 4 बच्चों की बोल के मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ ना। रियली फील किया हम लोग, तो उससे बात करते जा रहा दिल बोल रहा था, क्योंकि हमारे पुराने बात इतने थे कि एडवेंचर एक साथ करते थे हम लोग, पार्टनर इन क्राइम थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग के मेमोरीज है, तो वह सब चीज़ें याद करने में थे, और जैसी थी वैसी है सेम टू सेम। और इंशाल्लाह आगे जाके मेरा चैनल कुछ ऐसा आगे बड़ा बहुत तो मैं ज़रूर मिलाती हूँ, तो उन्हें आती भी होंगी। और खैर मैं वहाँ पे जाके इतनी महू हो गई बातों में कि मैं कुछ क्लिप नहीं लिया, बात वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि इतने बात आते, फिर आते खुद भी मैं क्या भूल गई क्या बोलूँ, हमारे मम्मी फ़ोन कर दिए तब उठ के ही मैं क्या भूल गई, मैं क्या बोलना है कुछ था क्या बाकी, बिल्कुल सोचने में रह जा रही थी मैं। मेरे को बहुत खुशी इस समय मिलकर। अब अभी अभी रह रही हूँ, उन्हें अभी 14 डेज के बाद जाने वाली है बोल के बोली, तो मिल के आ गया बोली, अब तुम्हारी बारी है आने की घर को बोल के आई। एंड क्या बोलो अब आप लोगों से बात करते हुए भी मेरे को पुराने माता याद आ जा रहे हैं, कितना मजा करते थे हम लोग, काश कि फिर वैसी चीजें वही दिनों में चले जाते थे, तो बहुत मज़ा आई। खैर मेरे को मेरे दोस्त से मिलके, और सब में ज़्यादा मज़ा आई इस बात के कि मेरे को उससे बात करने सोचना बिल्कुल ना पड़ा, उससे कुछ भी मैं बात कर सकती हूँ ठीक है, और दूसरे फ्रेंड से बात मतलब मतलब अपन को अब समझ में आया था ना इनसे कितनी बात कर सकते हैं हमारी फ्रेंड से, या फिर ये फ्रेंड है हम कितनी बात कर सकते हैं, वैसा मेरे को समझ में आता कि हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वैसी मेरे को समझ में आ जाता, तो मेरे को समझ में आ गया था कि उसमें कुछ भी बात कर सकती हूँ, और उन्हें जैसे कि वैसे ही ऑलमोस्ट, मैं उसका सेकंड बेटा था कुछ मंथ्स का तब मिली थी उससे, तो अब मिल रही हूँ 4 साल 5 साल, तो 5 6 साल तो हो गया उससे मिलके, मैं अब मिली बात होती रहती हूँ उन लोग कैसी नॉर्मली बात होती, मीन्स कॉल पर तो मैं बात नहीं करती किसी से, मैसेजेस में छोड़ती, और फिर उन्हें मेरे को गुस्सा भी करी बहुत ज़्यादा कि फ़ोन आने उठाती तो मैसेजों का रिप्लाई नहीं करती, ये वो सब करी। अब आई तो फिर मैं आए बात भी ले सकती कि नहीं, बट इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ नहीं आई तो मेरे से मिलने। वेल दैट्स इट गाइस, मैं कैसा भी शूट करूँगी जो बोल के व्लॉग बनाने का मकसद था मेरा कल, बट मैं इतनी महू हो गई बातों में उसके साथ, इतनी बिजी मसरूफ़ हो गई कि मैं बाद में रियलाइज़ करी कि मैं कुछ बना ही नहीं, इसलिए मैं 2 पिक्चर्स डाली आप देख सकते हैं, लेकिन उसका फेस नहीं बताया क्योंकि उसको नहीं मालूम मैं व्लॉग करती हूँ, मैं किसी को नहीं बोली और मैं कोई फ्रेंड को नहीं मालूम कि आई व्लॉग, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू नो आई व्लॉग, तब तक के कुछ होता नहीं मेरे चैनल का। खैर वेल दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और हमारे घर में रुको रुको, हमारे घर में आज खीर पुड़िया बने थे लेकिन मैं खाई नहीं, आप लोगों को दिखा दी अभी तक, खाती हूँ मेरे हल्लक में कैसा कि दर्द हो रहा है, वायरल कुछ हो रहा फीवर वीवर, तो तब से मेरी तबीयत ख़राब है। इंशाल्लाह मैं जिम रेगुलर जाने की कोशिश करूँगी, और देखती हूँ मिट्टा खाने का नाम मालूम मेरे को खीर पुड़िया बने, और अगर खाई तो मैं आप लोगों से लास्ट इसके बाद की व्लॉग इसके बाद क्लिप वही लगाऊंगी कि मैं खाई ठीक है। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर लीजिए, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करी आपकी रिक्वेस्ट तो ये भी बात बोल दे रही हूँ कि मैं कुछ होना बल्कि नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग मेरे को मैसेज कर दो एक कि यूट्यूब से आए तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल के अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते, फॉलो कर लो, फिर उसके बाद
मेरे को मैसेज कर दो कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं मेरे, यूट्यूब से देख के आए बोल के, मेरे चैनल का नाम बोल दो, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेती हूँ ओके। और मैं सोच रही थी कि अब मैं व्लॉग्स करना तो सा टाइम लग रहा, फिर मेरे को ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और तो मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाऊँ ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, नहीं बोलते मैं इज बेकार बोल लेती हूँ, बोलो इंटरेस्टेड है, वही दो चार मेरे जो पुराने सपोर्टर्स हैं, मेरे वेल विशर्स, उन लोगों के अलावा कोई कमेंट नहीं करता। सो स्टिल मैं देखती हूँ कि इंशाल्लाह, मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट्स बनाऊँ ज़्यादातर, कुछ भी शॉर्ट्स बनाओ बोल के सोच रही थी, या फिर और एक चैनल बनाओ, या फिर मैं चैनल का नाम चेंज करूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो एक अच्छा टाइम मिला तो मैं बैठ के सोचती हूँ, तो आप लोगों से भी ये बात शेयर कर लेना। सोची अगर आपने मेरा बात पूरे सुने, वीडियो देखे, तो मेरे को कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि हम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर।